बात और जो असद उमर साहब ने कहा है, ये भी इलेक्शन कमीशन को पता करना चाहिए कि ये अंदरूनी मुदाखलत कौन कर रहा है। आखिर एक सीनियर सहाफ़ी ने अगर कहा है तो ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, ये भी पता करना चाहिए कौन ये अंदरूनी मुदाखलत कर रहे हैं रिगिंग के हवाले से, क्योंकि ये सरासर रिगिंग का इंतज़ाम हो रहा है। तो ये इलेक्शन कमीशन अगर काम नहीं कर सकती, जैसे मैंने पहले कहा, इस्तीफ़ा दे, और ख़ास तौर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो कि आइन को बैकडोर से चुपके से कोशिश कर रहे हैं बदलने की, और वो उसको हर दफ़ा कोर्ट से वापस फैसला आता है उसके खिलाफ।